23 अप्रैल 2024। रोज की तरह श्रीधर यादव अपनी साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकले। श्रीधर बांका बिहार के एक प्राथमिक मध्य विद्यालय में सहायक टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन स्कूल पहुंचे साइकिल खड़ी करी मगर थकान के चलते कुर्सी पर बैठ गए। उनकी सांस तेज होती जा रही थी। स्कूल के बच्चों ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वो कुर्सी से नहीं उठ सके और धीरे धीरे उनका शरीर शांत पड़ गया। हीट वेव यानी लू लगने से उनकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, गर्मी के सीजन में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क यानी कि ड्राई हवाओं को लू या फिर हीट वेव कहा जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक हाई एयर टेम्परेचर से इंसान बीमार हो सकता है और यहां तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। हमारे देश का 90% हिस्सा हीटवेव से एक्सपोज्ड है, डेंजर जोन में है। 1992 से लेकर अब तक देश में 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है हीटवेव की वजह से। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य गर्मी के महीनों में लू की चपेट में आ जाते हैं। भारत देश में मार्च के महीने से लेकर जून तक हीटवेव्स चलती हैं और कभी कभी जुलाई के महीने में भी हीटवेव्स देखने को मिलती हैं। मैदानी इलाकों में जब 40 डिग्री सेल्सियस और कोस्टल एरियाज में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसे हीटवेव मान लिया जाता है। दो तरीके से हीटवेव को कैलकुलेट किया जाता है। नंबर एक, अगर यूजुअल से 4.50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे हीट वेव कहा जाता है, और अगर यूजुअल से 6.40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे सीवियर हीट वेव कहा जाता है। नंबर दो, अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं, और 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो उसे सीवियर हीट वेव कहा जाता है। अगर एक लोकेशन पर लगातार दो दिन ऐसे हालात होते हैं तो वहाँ हीट वेव की घोषणा हमारे मौसम विभाग के अधिकारी कर देते हैं। स्वीडन के इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन, नई दिल्ली के सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की स्टडी के मुताबिक हीट वेव लगातार दो दिन से ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो मौतों में 14.7% तक का इजाफा होता है। जब हमारा शरीर अचानक से एवरेज कंडीशन से निकल कर गर्म टेम्परेचर का अनुभव करता है तो शरीर टेम्परेचर को रेगुलेट कई बार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शरीर में ऐंठन होती है, बेहोशी, मतली आना, थकावट, हीट स्ट्रोक, शरीर में पानी की कमी और हाइपरथर्मिया तक हो जाता है, जिसमें लोगों को भयंकर बुखार चढ़ जाता है और कई बार तो मौत तक हो जाती है। हीटवेव की चपेट में आए इंसान को कई बार तो इलाज का मौका भी नहीं मिल पाता है, इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। जिनको दिल या सांस से जुड़ी बीमारी है या फिर डायबिटीज़ है, उन पर भी हीटवेव का असर बहुत घातक हो सकता है। एक स्टडी से पता चलता है कि भारत में 1992 के बाद से हीटवेव के कारण 24,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके अलावा सेहत पर हीट स्ट्रेस का असर जानने के लिए इंडिया हीट इंडेक्स और रोज होने वाली मौतों के बीच में क्या संबंध है यह निकाला गया। रिसर्च में पाया गया कि आरामदायक दिनों के मुकाबले गर्म दिनों के दौरान ज्यादा मौतें हुई। वाराणसी में 8.1%, चेन्नई में 8.0% और दिल्ली में 5.9% ज्यादा मौतें हुई हैं। भारत के एवरेज टेम्परेचर में 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मुताबिक टेम्परेचर में थोड़ा सा भी बदलाव सूखे, बाढ़, हीट वेव, बादल के फटने या ग्लेशियर के पिघलने का कारण बन सकता है, और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके दुष्प्रभाव, इल इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। भारत में आमतौर पर मई, अप्रैल और जून के महीने सबसे गर्म होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मार्च के महीने में भी गर्मी बढ़ी है। इस साल भी मार्च के महीने में नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर रहा, वो भी भारत के 60% से ज़्यादा हिस्से में। पिछले साल IMD ने कहा था कि 1901 के बाद से सबसे गर्म मार्च पिछले साल का रहा। अभी हाल ही में आई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक अप्रैल 2022 के बाद हमारे देश के 90% हिस्से के लोगों पर रोजी और रोटी का खतरा बढ़ सकता है, और हीटवेव की वजह से लोगों की असमय मौत में और इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस स्टडी के मुताबिक 2050 तक भारत में हीटवेव्स का असर इतना ज़्यादा घातक हो जाएगा कि इंसानी शरीर उसे झेल ही नहीं पाएगा। इस तरह यूएन की इंटर गवर्नमेंटल पैनल का कहना है कि पिछले 30 सालों में 3 दिन हीटवेव बढ़ा है, और ऐसा ही चलता रहा तो साल 2060 तक 12 से 18 दिन और बढ़ जाएंगे हीट वेव्स के। पिछला साल 2023 अब तक का दुनिया का सबसे गर्म साल रहा, वहीं पिछले 47 साल से ऐसा कोई साल नहीं आया जो एवरेज से ज़्यादा ठंडा रहा हो। भारत में भी 122 साल के इतिहास में जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड
करना शुरू किया गया, तब से लेकर अब तक साल 2023 दूसरा सबसे गर्म साल रहा। इससे पहले साल 2016 सबसे गर्म साल रहा था भारत का। IMD का कहना है कि अप्रैल, मई और जून में नॉर्मल से ज्यादा और नॉर्मल से कम दोनों तरह के टेम्परेचर रहने की संभावना है, मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। इससे पहले साल 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। 27 अप्रैल 2022 के दिन प्रयागराज में टेम्परेचर 45.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इसके एक दिन पहले राजस्थान के बाड़मेर में भी पारा 45.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इससे पहले साल 2019 में राजस्थान के ही चूरू में टेम्परेचर 50.8 पहुंचा था और साल 2016 में राजस्थान के ही फलोदी में पारा 51 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। और क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी 40 डिग्री से ज़्यादा की गर्मी में बहुत असहज महसूस करने लगता है और 50 डिग्री के बाद तो शरीर के कई अंग काम करना भी बंद कर सकते हैं। लेकिन पूरे भारत में कुछ इलाकों को छोड़ दें तो बहुत सारे राज्यों में 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान अब आम बात है। चाहे वेस्ट बंगाल हो या आंध्र प्रदेश, चाहे उड़ीसा हो या गुजरात हो, यूपी हो या बिहार, हर जगह हीटवेव का असर देखा जा रहा है। दोस्तों, पिछले 50 सालों में धरती का तापमान पिछले 2000 सालों के कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 1850 के बाद से पृथ्वी का तापमान हर 10 साल में 0.06 डिग्री सेल्सियस के एवरेज से बढ़ा है। 1982 के बाद से वार्मिंग का एवरेज 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी हर 10 साल में 0.20 डिग्री सेल्सियस। असामान्य गर्मी अब आम बात हो गई है। इतिहास के 10 सबसे गर्म साल पिछले दशक यानी कि 2014 से लेकर 2023 में हुए हैं। There are predictions of heat waves, severe heat wave conditions, humid heat waves in the next few days. लेकिन दोस्तों, हीट वेव्स का प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है। हीट वेव की वजह से सबसे ज्यादा खतरा होता है उन गरीबों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पंखा नहीं है, एसी कूलर नहीं है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर यानी कि खेती किसानी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पानी की खपत बढ़ जाती है, फसलों की क्वालिटी खराब हो जाती है, पालतू पशुओं की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा गर्मी की वजह से वर्कर्स को बहुत कष्ट होता है, उनके लिए काम करना मुश्किल होता है, जिससे प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। बाहर काम करने के घंटे घटने से 2030 तक भारत को 20 लाख करोड़ या फिर GDP का 4.5% का नुकसान हो सकता है। और अगर प्रॉपर हीट एक्शन प्लान तैयार नहीं किए गए तो भारत की GDP में 2050 तक 2.8% का नुकसान होगा, जो 2100 में बढ़कर 8.7% तक जा सकता है। आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि हीटवेव की समस्या कितनी खतरनाक है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस देश के मेहनतकश लोगों से, गरीबों से, मजदूरों से, और जानते हैं कि कैसे हीटवेव्स का असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। दोस्तों, दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में क्या आप बिना पंखे, कूलर या AC के रह सकते हैं? क्या आपको नींद आ जाएगी? आप काम कर पाएंगे? सोच कर देखिए। नहीं ना। लेकिन ये गरीब मजदूर साल के 12 महीने इसी तरह खुले में गुजर बसर करते हैं। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग बेघर हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर, वृद्ध, दिव्यांग और दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स शामिल हैं। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड यानी कि DUSIB ने 195 शेल्टर बनाए हैं, जिनमें 16,675 बिस्तर हैं। लेकिन 2.5 लाख लोग जहां बेघर हों, वहां 16,000 बिस्तरों से क्या होगा? लगभग 92% लोग बेघर हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली में हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की एक रिसर्च ने पता लगाया कि लगभग 60% अज्ञात शव बेघर व्यक्तियों के ही होते हैं। दिल्ली में इनमें से 4,424 मौतें पिछले 5 सालों में गर्मी के महीनों के दौरान हुई। हीटवेव का प्रभाव मानव शरीर पर साफ पता चलता है। बेघर लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। HLRNK की रिसर्च से पता चला है कि सड़कों पर रहने वाले 99% यानी कि लगभग सभी लोगों को गर्मी की वजह से नींद ना आने की समस्या होती है। जो सरकार ने थोड़ी बहुत व्यवस्था की है, पोटा केबिन रखवाए हैं, वो भी मोटे टिन की चादरों से बने होते हैं, जो शेल्टर होम को और भी गर्म कर देते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ऐसे लोगों के लिए खाने को संभाल कर रखना भी मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ही घंटों में खाना खराब हो जाता है। बेघरों के पास रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं है, इस वजह से गर्मी के कारण सब्जियां खराब हो जाती हैं, टमाटर प्याज सड़ जाते हैं, और यहां तक कि पानी भी गर्म हो जाता है, जिसे लोगों को मजबूरी में पीना पड़ता है। जबकि हीट स्ट्रोक रोकने के लिए पीने का साफ पानी बहुत जरूरी है, लेकिन 95.1% लोगों को गर्मी के दौरान पानी नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें अब पानी खरीद कर पीना पड़ता है। इसके अलावा टॉयलेट, मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर झोपड़ियों, झुग्गियों में रहने वालों या फिर बेघर लोगों पर पड़ता है। दोस्तों,
हीट वेव का असर खेती पर भी पड़ता है। यह समस्या इतनी खतरनाक है कि हमने देखा है कि साल 2022 में गेहूं के एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन लगाया था, क्योंकि कम पैदावार की वजह से हमारे देश में गेहूं 100 लाख टन से कम हो गया था, जिसकी वजह से देश पर फूड सिक्योरिटी का खतरा मंडरा रहा था। दरअसल हीटवेव के कारण फसलें कई बार मुरझा जाती हैं, दानों की क्वालिटी खराब हो जाती है, ज़्यादा तापमान की वजह से पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, पौधे अपना खाना नहीं बना पाते हैं, इसलिए कई बार तो पूरी तरह फसलें झुलस कर बर्बाद हो जाती हैं। गेहूँ उगाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर, लेकिन हीटवेव की वजह से गेहूँ की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। पैदावार में 10-15% की कमी आई है। गेहूँ ही नहीं बल्कि चावल की पैदावार पर भी बुरा असर पड़ा है। इसी के साथ गन्ना, दालों में मक्का, चना, अरहर, मसूर की दाल, फलों में केला, आम, सेब, अंगूर की पैदावार भी हीट वेव से प्रभावित होती है। आइए जानते हैं हीट वेव की वजह से खेती को और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही जल्दी मिट्टी से नमी का लेवल कम होता जाएगा और फसलों को उगाने में ज़्यादा समस्या आती है। कम नमी से सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस तरह आपको जानकर हैरानी होगी, ये कुछ ऐसे कीड़े हैं जो ज़्यादा गर्मी में ही पैदा होते हैं और जितनी गर्मी बढ़ती है उतनी ही तबाही वो मचाना शुरू कर देते हैं। इससे भी फसलों का बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा ताज़ी सब्जियों के प्रोडक्शन पर भी असर होता है और सब्जियाँ भी हीट वेव के चलते जल्दी ख़राब हो जाती हैं। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2.5 महीने के अंदर केरल में 497 गायों की मौत हीट वेव से हो चुकी है। हर साल हीट वेव की वजह से हजारों की संख्या में जानवरों की मौत होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जानवरों को पीने का पानी और हरा चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, दूध के प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है गर्मी की वजह से। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 150 बड़े जलाशय यानी कि जो रिजर्वायर्स हैं, उनमें उनकी कैपेसिटी का सिर्फ 35% पानी ही बचा हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 17% कम है। साउथ इंडिया में हालात और ख़राब हैं। वहाँ 42 ऐसे रिजर्वायर्स में उनकी कैपेसिटी का सिर्फ 23% पानी ही बचा हुआ है। कम पानी होना इस बात का भी सबूत है कि कम बारिश हुई है। देश के 18 राज्यों में मार्च के बाद से बारिश नहीं हुई है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत में अन्न उगाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में उगाई जाने वाली 50% फसलों को बारिश और सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे किसान खेती के लिए पूरी तरह से बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। और हमने देखा है कि बारिश नहीं होने की वजह से कई किसान हर साल कर्ज में डूब जाते हैं। कई किसानों को खेती छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए। यहाँ तक कि कई किसानों को अपनी जान तक लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोगों के हेल्थ और खेती किसानी के अलावा हीटवेव का बुरा असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO के मुताबिक गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से साल 2030 तक भारत में काम करने के घंटों में 5.8% की कमी आ जाएगी। हालांकि हमारे देश में वर्कर्स के लिए ना तो उचित सुविधाएं हैं और ना ही हीटवेव को लेकर अवेयरनेस है, जिसकी वजह से ना तो एम्प्लॉयर और ना ही वर्कर्स हीटवेव के नुकसानों को एक्नॉलेज करते हैं और भयंकर गर्मी में भी वर्कर्स काम करते ही रहते हैं। भारत के ज़्यादातर मजदूरों के पास भयंकर गर्मी में भी कष्ट झेलते हुए भी काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में 90% से ज़्यादा मजदूर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग बाहर काम करते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से बाहर काम करने की क्षमता में 15% की कमी आएगी और साल 2050 तक 2.8% GDP का नुकसान होगा। अभी ही हीटवेव की वजह से GDP का 5.4% का नुकसान हो रहा है। एक दूसरी रिसर्च कहती है कि भारत की GDP का 50% ऐसे वर्कफोर्स के सहारे है जो हीट एक्सपोज्ड है, जैसे माइनिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन। इन सब सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ेगा अगर गर्मी इसी तरह से देश में बढ़ती रही तो। इसलिए देश की GDP को अगर नुकसान से बचाना है तो हीट एक्शन प्लान में वर्कर्स को भी शामिल करना होगा, उनका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में न जॉब की गारंटी होती है, न ढंग की सुविधाएं होती हैं, न सोशल प्रोटेक्शन होती है। ऐसे लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हैं। इसके अलावा जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत लोगों को पड़ेगी और एनर्जी खर्च होगी। बढ़ते तापमान की वजह से एयर कंडीशनर, पानी के पंप जैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बढ़ा है, इसके चलते बिजली की ज़रूरत बढ़ी है और इसका असर उन बिजनेसेस पर भी पड़ता है जो बिजली पर डिपेंडेंट होते हैं। पावर मिनिस्ट्री के एक अनुमान के मुताबिक इस साल गर्मी के दौरान देश में बिजली की मांग 260 GW तक पहुँच सकती है, जो पिछले साल सितंबर के रिकॉर्ड 243 गीगावाट से ज्यादा है। हाल ही में आई CRISIL की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस साल भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में 9.5 से 10% की बढ़ोतरी होने वाली है, जो कि एक दशक में सबसे ज्यादा और पिछले 20 सालों के औसत से भी ज्यादा है। अगले फाइनेंशियल ईयर में हम बिजली की मांग में काफी बढ़ोतरी देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियां सामान्य से ज्यादा होंगी और हीट वेव की संख्या भी बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि भारत उन देशों में से एक हो सकता है जहां पर ह्यूमन सर्वाइवल की लिमिट से भी ज़्यादा हीट वेव हो सकती है आने वाले समय में।
जिससे भारत का 75% वर्कफोर्स प्रभावित होगा। इससे पहले साल 2022 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि साल 2030 तक भारत में 9 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इसका उपाय क्या है। साल 2010 के मई महीने में अहमदाबाद का तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिसके बाद बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा था। मामले को सीरियसली लेते हुए साल 2013 में अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान लागू करने वाला पहला शहर बन गया। इसके बाद शहर में हर साल गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या में 1000 से ज्यादा की कमी आई। हीटवेव के अर्ली अलार्म सिस्टम और उससे निपटने की तैयारी के लिए बनाई गई योजनाओं को हीटवेव एक्शन प्लान कहा जाता है। साल 2015 में हीटवेव से 2330 लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी और सभी इंडियन स्टेट्स को कहा था कि हीटवेव से निपटने के लिए वो अपने एक्शन प्लान्स बनाएं, जिसके बाद कई राज्यों में हीट एक्शन प्लान बनाए गए। हालांकि सेंटर फॉर पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हीट एक्शन प्लान ड्राई एक्सट्रीम हीट को लेकर ही बनाए गए हैं। ह्यूमिडिटी वाली हीट और गर्मी से भरी रातों को भी हीट एक्शन प्लान में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों के लिए डिफरेंट हीट एक्शन प्लान होना चाहिए, क्योंकि गर्मी सहने की क्षमता हर इलाके के लोगों की अलग होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर ही वहाँ हीट वेव की घोषणा हो, ना कि एक ही जगह से तय किया जाए कि किस टेम्परेचर को हीट वेव माना जाएगा। जिन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा समस्या होती है, ऐसे ग्रुप्स की पहचान करने में, ऐसी जगहों का पता लगाने में लगभग सभी हीट एक्शन प्लान फेल हुए हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फंड की कमी है, ढंग से हीटवेव के हॉटस्पॉट्स की पहचान नहीं की जाती है, हीटवेव को लेकर लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है। इसके अलावा हमारे शहरों में जो अर्बन प्लानिंग और डिजाइन है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। घर हवादार हो, छत रिफ्लेक्टिव हो, आसपास हरियाली हो, साथ ही हेल्थ केयर को लेकर हीटवेव के दिनों में अलग से तैयारी की जानी चाहिए। कम्युनिटी लेवल पर लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, साथ ही शहरों में खासकर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और दोस्तों, जापान, नीदरलैंड्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ऊपर जो उपाय मैंने बताए हैं उन पर काम करना भी शुरू कर दिया है और वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को हीट वेव के बारे में जानकारी देने में कामयाब रहा। अगर आप लोग क्लाइमेट चेंज के ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। जल्द मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।